भैया की कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतना नहीं है न्यू ईयर सेलिब्रेशन अजी तो बहुत मैडम मैडम आ जाइए न्यूज माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार दुबे जी के विरुद्ध जो प्राप्त शिकायतें आ रही थी लगातार कि उनके द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और मनमाने तौर पर बहुत सारी जो है आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिस संबंध में कारकारिणी ने अवलोकन किया और जो हमारे यहाँ जबलपुर के हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन हैं, स्टेट बार के मेंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं और तमाम सीनियर एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स और यंग एडवोकेट्स आज सभी एकत्रित हुए, एक जनरल बॉडी हुई, सभी ने अपने अपने विचार रखे और एक मतें सभी ने हाथ उठा करके यह प्रस्ताव पारित किया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार दुबे जी के न्यायालय में आदमी अनिश्चित काल तक जो है उनकी कोर्ट का बायकॉट करेगा, उनकी कोर्ट में पैरवी करने नहीं जाएगा। जो है उनका अधिवक्ता में भी हम लोग इनका एक दिन के लिए सांकेतिक बहिष्कार कर चुके हैं, पूर्व में तमाम हम जो है चीफ जस्टिस महोदय को इनके कार्य व्यवहार से अवगत कराते रहे हैं पत्र के माध्यम से, पर जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब गले तक परेशान हो गया अधिवक्ता, तब जाकर के उन्होंने मजबूर होकर के यह निर्णय लिया है कि अधिवक्ता समुदाय संबंधित न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं रहेगा। निश्चित रूप से पेंडिंग होंगे, निश्चित रूप से पक्षकारों का नुकसान होगा और वैसे भी देखा जाए तो नुकसान एक लगातार चल ही रहा है और जो पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक के बाद में जो है हम संबंधित न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो वहाँ अच्छे अच्छे मुकदमों को का में कोई भी रिलीफ नहीं मिलती, ऐसे भी हमारे अधिवक्ता साथियों का कहना है, तो उससे कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि और भी माननीय न्यायालय हैं जिनके समक्ष जो है प्रकरण नियत होंगे, जहाँ पे सुनवाइयाँ होंगी और सुनवाइयों के बाद में जो है लोगों को, पक्षकारों को जो है उनके प्रकरणों में दिस वे या दैट वे डिसीजन मिलेगा। रही बात संबंधित कोर्ट में नियत प्रकरणों की, तो निश्चित रूप से यह बात सही है कि पक्षकारों का नुकसान होगा, उनके प्रकरणों में सुनवाइयाँ नहीं होंगी, पर हमारे पास भी इसके अलावा अन्य कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसको आप बैठ के भी सुलह हो सकती थी, बैठ के सुलह करने का रास्ता हमने पूर्व में जैसा मैंने बताया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति पहले थे हमारे यहाँ मित्तल साहब को भी हमने पत्र जारी किया था, उनको भी बताया था, अपनी परेशानियों से अवगत कराया था। वर्तमान माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय रफीक साहब जी को भी हमने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने पत्र जारी कर अपनी अधिवक्ताओं की परेशानियों से अवगत कराया, लेकिन विगत 10 दिन पूर्व यह पत्र दिया जा चुका है, वहाँ उनकी तरफ से कोई भी बातचीत का जो है हमको इनविटेशन प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा लग रहा हमको कि लगातार जो है अधिवक्ताओं की उपेक्षा हो रही है। तो आज शहर के तमाम अधिवक्ता संघ एकत्र हुए और उन्होंने एक मते निर्णय लिया कि संबंधित न्यायालय का जो है